फ्रेंड्स वेलकम बैक। और इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय रिलेशन एन ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बताना है इस सेट से जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे निकलेंगे जहाँ पे ए माइनस बी को हमेशा इवन ही होना है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। इक्विवेलेंट रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं रिफ्लेक्सिव में। आपको पता है अगर किसी चीज़ को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है ये जो दोनों एलिमेंट होते हैं ए ऑर्डर्ड पेयर में ए और ए उन्हें सेट आर में होना चाहिए मतलब आर को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एज़ यू कैन सी अगर मैं यहाँ से 1 और 1 डालूँ तो 0 आएगा, 2 एंड 2 से भी 0, 3 3 से भी 0, 4 एंड 4 एंड 5 एंड 5 से भी 0। मतलब आप कोई भी वैल्यू यहाँ ए और बी की पुट कर दीजिए जो कि एक जैसी ही होंगी क्योंकि ए और एक जैसे नंबर हैं तो हमेशा 0 आएगा और 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो वी कैन से डैट अगर मैं ए और ए को यहाँ पुट करूँ तो 0 आएगा विच इज़ एन इवन नंबर, विच इज़ एन इवन नंबर। सो वी कैन से हमारा ए और ए इस रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो द गिवन रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं था। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट जो कि सिमेट्रिक है। अगर कोई एलिमेंट ए और बी एक रिलेशन में है तो डेफिनेटली बी और ए को भी उस रिलेशन में होना होगा तभी वो सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट से मैंने 1 और 3 लिया जो कि उस सेट में है ना। 1 और 3 अगर आपने लिया तो मॉडुलस 1 माइनस 3 आपको पॉजिटिव 2 देगा जो कि इवन नंबर है। सिमिलरली 3 और 1 भी अगर उस रिलेशन में हुए यानी बी और ए की वजह से तो 3 माइनस 1 इज़ अगेन 2 जो कि ऑल्सो इवन, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया है। और इसको लिखने का स्टाइल क्या है, अगर ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर इवन है तो ए माइनस बी मॉडुलस आउट होके इवन हो जाएगा, आपको पता है पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगा। सिमिलरली बी माइनस ए भी तो इवन ही होगा, वो भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है आपको बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। अगर किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो अगर ए और बी उस रिलेशन में है, बी और सी भी उस रिलेशन में है तो ए और सी को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज़ आप ले लेते हैं। लेट्स से इसी सेट में से बाय चांस 1 और 5 एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, 5 और 3 भी उस रिलेशन में है, तो देन 1 और 3 को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन सी 1 माइनस 5 इज़ 4, 5 माइनस 3 इज़ 2, देन 1 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 2, तो ये भी सेटिस्फाई करी है, दे ऑल आर इवन नंबर। और अगर इसे और केयरफुली देखा जाए, जब आपने यहाँ ए और बी डाला होता तो ए माइनस बी आपको पता है इवन नंबर आया है, ऐसी बी माइनस सी भी इवन नंबर आता है, और दो इवन नंबर को जब आप प्लस करते हैं बेटा तो हमेशा एक इवन नंबर ही आता है ना। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बी से बी कैंसिल ए माइनस सी इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, यहाँ तक कोई डाउट? आप चाहे वैल्यूज़ डाल के सॉल्व कीजिए चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।